छतरपुर जिले के हरपालपुर निवासी सूरज ने बताया है कि वह पहले अपने ही शहर में बच्ची का इलाज कराता रहा। जब बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ तो वह डॉक्टर ने मऊरानीपुर दिखाने की सलाह दी, तो सुबह वह बच्ची को लेकर नारायण टॉकीज के पास बने प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर गुप्ता के पास दिखाने आए। बच्ची का इलाज चल ही रहा था कि बच्ची की ज्यादा हालत खराब हो जाने पर हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने को कहा। यह बात सुनकर बच्ची के माँ बाप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल ले गए, जहां पर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर ना होने पर परिजन उधर भागते नजर आए और जब तक कि बच्ची की हालत और खराब हो गई। इसके बाद कुछ देर बाद वहां पर तैनात डॉक्टर मिले, जिन्होंने बच्ची को देखा और मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि अगर सही समय पर इमरजेंसी में डॉक्टर मिल जाते तो शायद बच्ची बच सकती थी। अब इसके बारे में वहां तैनात डॉक्टर सच्चांद से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब वो आए वो वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने बच्ची को देखा और ऑक्सीजन दी। इससे पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। क्या नाम है भैया? कहाँ के? क्या घटना हो गई यहाँ पर? कैसे? अच्छा, कल मतलब कल की डेट में मतलब कल दिखाया था अनसाइन डॉक्टर। अच्छा, उनने कल दिखाया, दवाई दी, आज हमने यहाँ पहुँचा दिया। कहाँ पे पहुँचाया आज? आज मुझे मऊ चले जाओ। मऊ किस जगह? गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी के पास। क्या नाम है गुप्ता जी का पूरा? उनका प्राइवेट है ना हॉस्पिटल? प्राइवेट है सर। प्राइवेट में गए, सरकारी में पहुँचा दिए, सरकारी में दिखाओ। सरकारी में कोई डॉक्टर नहीं मिला? सरकारी में उनको ढूंढा, जब दूसरे डॉक्टर आए। अच्छा, तो उन्होंने देखा तो क्या था बच्ची में? बोले सर, बोले खत्म हो गई आपकी बच्ची। जब इधर आप सरकारी में लेके आए तो बच्ची की डेथ हो चुकी थी, और जब वो वहाँ आपने गुप्ता जी में दिखाया, जब क्या उसमें कोई हलचल थी? देख रही थी सर। तो अब क्या क्या समस्या है, अब क्या चाहते हैं? बच्ची खत्म हो गई। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? खत्म हो गई, जाइए। अभी आधा घंटे पहले इमरजेंसी में 9-10 महीने का बच्चा लेके एक जन आए, तो उन्होंने बताया कि मैं बच्चा थे कहीं से इलाज करा रहे थे, बोले हमारा बच्चा वहाँ से रेफर किया है। जब बच्चे को देखा तो उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी, सांस भी नहीं चल रही थी, क्योंकि वो दोनों डायलेट थे। तो बच्चे को देखते ही हमने उनका घोषित किया, बच्चा जिंदा नहीं। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो है इमरजेंसी में आए तो कोई डॉक्टर नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं था। हम ही ने तुरंत बच्चे को अटेंड किया, बच्चा देखा, तुरंत उनको बताया।